450 लेवल भाई ते हो गई प्राइमल फेयर की शुरुआत गाइस। मारेगा ए चल रे उरे मार रहा। अबे भाई अल्फा यू किस मारते क्या शायद से भाई। सो हेलो भाई लोग क्या हाल चाल कैसे आप सभी लोग और गाइज आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे ले गया आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई ब्रांड न्यू सीरीज आर्क सर्वाइवल इवॉल्व की आर्क प्राइमल पियर प्लस आर्क मिथिक की। यस गाइज आर्क मिथिक खेले हुए भाई काफी ज्यादा साल हो चुके थे तो मैंने सोचा क्यों ना गाइज आर्क प्राइमल पियर के साथ आर्क मिथिक को कंबाइन करा जाए और यहाँ पे आपके लिए एक नई ब्रांड न्यू सीरीज लेके आई जाए। वैसे आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि गाइज आर्क प्राइमल पियर वाले डायनो और आर्क मिथिकल वाले डायनो दोनों काफी ज्यादा खतरनाक वाले डायनोज है और इसमें बॉस फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आपको बताइए गाइस कि मिथिकल वर्ल्ड के जो डायनोज होते हैं वो कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं और उनके बॉसेस कितने खतरनाक होते हैं ये आपको बता ही होगा गाइस। तो अभी हमारा प्राइमल फियर का डे वन है गाइस यहाँ पे और हम खेल रहे गाइस लॉस्ट आइलैंड पे और हम लोग जो है ना गाइस अभी यहाँ पे करने वाले फुल टू मजे ही मजे एंड मजा आने लाइव गाइस क्योंकि फर्स्ट तो हमको जाके जो है ना गाइस किसी डायनो को टेम करना पड़ेगा फ्लायर को जो हमको जो है ना गाइस यहाँ से लेके जाएगा। मेरे को ना बेस बनाने के लिए सबसे अच्छी वाली जगह जो है ना गाइस इस मैप पे ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे मैं अपना बहुत ही ज्यादा बड़ा वाला बेस बनाने वाला हूँ। बाकी आज का जो एपिसोड है ना हमारा फर्स्ट एपिसोड वो शुरू करने से पहले जो नए बंदे होंगे यार चैनल पे फटाक से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको यहाँ पे गेमिंग विद्यानी के चैनल की और हमारे ब्लॉगिंग चैनल की तो दोनों चैनल को जरूर चेकआउट कर लेना। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन अनलॉक है अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए थैंक्स के बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड थैंक्स का बटन आपको दिख जाएगा। तो चले गाइस कर दे आज के इस प्राइमल फियर प्लस मिथिक वर्ल्ड की फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिना किसी देरी के लेट्स गो गाइस। वैसे यहाँ पे मुझे कुछ पैरेट्स तो दिखाई दे रहे बट ना भाई पैरेट्स का क्या। अरे बाप रे आइस बीच वाले पैरेट। वैसे पैरेट्स तो भाई मेरे हिसाब से मारते नहीं है ना गाइस एग्रेसिव नहीं होते भाई देख रहे हो पैरेट्स एग्रेसिव नहीं होते। मेरे को ना बीच के नज़दीक पहुंचना है गाइस ठीक है मुझे बीच के पास पहुंचना है क्योंकि जो भी मेरे को डायनोस बीनोस मिलेंगे वो बीच के काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी मिलेंगे लाइक पीटी बीटी जो डायनोज है ना गाइस वो वाले डायनोज। इसलिए हाँ भाई बीच के नज़दीक हम पहुँच चुके। कोई यहाँ पे यार कोई भी फ्लायर दिखाई नहीं दे रहा यार यहाँ पे व्हाट इज दिस बिहेवियर मैन। भाई मुझे एक फ्लायर टेम करना है भाई फिर तो कोई भी फ्लायर हो भाई। पीटी इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ क्योंकि पीटी को मैं काफ़ी ज़्यादा आसानी से जो है ना गाइस टीम कर सकता हूँ। एक दो काम कर लेता हूँ सबसे पहले रुको मुझे ना एफएम के वाला। अबे यार ये मत बोलना कि मैंने एफएम के वाला मॉड नहीं डाला है डाला है। तो एफएम के वाले क्लोथिंग कहाँ पे ये रहा क्या क्लोथिंग शर्ट नहीं रे बाबा एफएम के वाला भाई कपड़ा किधर है। एफएम के वाले कपड़े के लिए मेरे को थैच चाहिए होगा रुक जाओ गाइस ठीक है ओके भाई एफएम के वाले सबसे पहले तो कपड़े पहन लेता हूँ और मेरे इन्वेंटर में जो फालतू की गई स्किन है ना गाइज वो डाल देता हूँ फेंक देता हूँ गाइज ओके। और यहाँ पे अपन कौन बनेंगे वुल्फ मानव बन जाएंगे ओके। और ये वाला चेस पीस बाकी सारे की सारे स्किन एंड कॉस्ट्यूम जो है गाइज वो मैं फेंक देता हूँ यहाँ पे ओके। चिबी लगा दूँ क्या शैडोमिन का चिबी लगा देता हूँ भाई क्यूट सा शैडोमिन इसका नाम देंगे अपन लल्लू ठीक है ये अपना लल्लू है आ जाओ भाई लल्लू किधर है भाई। हाँ भाई दिखने में नॉर्मली लग रहा है मुझे लगा कुछ रेड बीड़े से कलर वाले भाई शैडोमिन के मिलेगी चिबी नहीं चलो कोई ना ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। चलो गाइस अभी हमको जो है ना गाइस यहाँ पे ढूंढने भाई डायनोस बट मेरे को डायनो एक भी दिखाई नहीं दे रहा भाई। हाँ मैंने डायनो वाइप अभी जस्ट मारा है गाइस तो उसी रीजन से मे भी भाई यहाँ पे मेरे को ना डायनोज नहीं दिखाई दे रहे होंगे। रुको गाइस थोड़ा आगे चल के मैं देखता हूँ गाइस कि मेरे को कोई डायनो दिखते कि नहीं एक भी डायनो नहीं डोडो अच्छा भाई डोडो मिल गया चलो आ जाओ गाइस इसको मार के ना थोड़ा हाइट ले लेंगे और उससे जो ना गाइस हम काफी सारी चीजें यहाँ पे बना सकते हैं। अबे आना मर भाई डोडो ना मर रहा है मेरे से मर जा डोडो के बच्चे मर जा कम ऑन। अबे कितने लेवल है 1350 लेवल भाई ते हो गई प्राइमल फेयर की शुरुआत गाइस। ये है गाइस शुभारंभ भाई पप्पा आ गए भाई छोटे बच्चे को मार रहा था उसने अपने पप्पा को बुला लिया और भाई बेहोश करके मारा है भाई सिर्फ भाई टॉक्सिक वाले डोडो रे। रुको मैं सोच रहा हूँ मैं कौन से वाले यहाँ पे होता हूँ ना स्पॉन
मैं जो कहीं एक बड़ा सा ग्रीन ग्रीन एरिया नहीं होता जहाँ पे कोई ज्यादा डेडली क्रीचर नहीं होते, मैं सोच रहा हूँ मैं वहां पे अपना घर बना लूँ, वो सही रहेगा। यार ये कौन से बीच पे आ गया समझ नहीं आ रहा, लेकिन जहाँ पे भी आया उई उई यहाँ पे अल्फा 21 होगा यार, लेकिन ये अल्फा 21 हो सकता है, रुक जाओ मैं देख लेता हूँ कौन सा वाला 21 है गाइस। ओके मेरे को बता भी नहीं कि 21 कौन सा किबल खाते यार। ठीक है रुक जाओ मैं मेजोबेरी लेके जा रहा हूँ, मैं भी ये वाला 21 मेजोबेरी से डेमो जा। अरे वो क्या मारेगा, क्या मारेगा, ए चल रे अरे मार रहा। अबे भाई अल्फा 21 मारते है क्या, शायद से भाई शायद से मार दे, रुको यहाँ पे नहीं मेरे को, हाँ यहाँ पे जा रहा है शायद, इजी पे जा रहा हूँ मैं। ये केसलर बीच समथिंग शायद वही होगा, रेडवुड के साइड में एक बड़ा सा ग्रीन ग्रीन एरिया है ना, वहाँ पे मुझे स्पॉन लेना है। यही है क्या वो एरिया, शायद से नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, लेकिन ठीक है चलो ठीक है यहाँ पे मेरे को फ्लायर मिल जाएंगे और 21 भी मिल जाएंगे, और अल्फा 21 के नजदीक नहीं भटकना है गाइस मेरे को, वरना मेरी बहन बचा देगा भाई। गाइस एक बनी दिखाई दे रहा है, बट इस बनी को तो हम अभी टेम नहीं कर सकते ना, क्यूट क्यूट सा बनी दिखाई दे रहा है मुझे गाइस। एक ट्रांसपोर्टेशन का कोई तो भाई ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए ना मुझे कोई डायनो चाहिए, बट गाइस मेरे को एक भी डायनो नहीं दिखाई दे रहा लिटरली भाई, देखो तो मुझे लग रहा है डायनो स्पॉन ना मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, या तो अभी तक कोई भी ना यहाँ पे स्पॉन नहीं हुआ है लग रहा है मेरे को भाई। अल्फा डोडोस दिखाई दे रहे बट इन डोडोस, अबे यार वहाँ पे पीडी है भाई, वहाँ पे पीडी है, पीडी को टेम कर डाला तो लाइफ जिंगा डाला, रुक जाओ वेट अ मिनट गाइस, पीडी को टेम करने का जो ना कहीं जुगाड़ कर लेते हैं। हाँ यहाँ पे कुछ डायनोस दिखाई दे रहे और वो रहा गाइस पीडी, वेट अ मिनट एक काम कर लेता हूँ फटाक से जो ना कहीं एफएमके वाली क्लोज बना दो मेरे को, ये एफएमके वाली क्लोज है यस गाइस, रुक जाओ और अपग्रेड स्टेशन बना दो। ऑलराइट अपग्रेड स्टेशन के लिए मेरे को मेटल चाहिए होगा, वेट अ मिनट मैं जो ना गाइस क्लब को एकदम फुल टू असेंडेड वाला बना लेता हूँ एंड उससे एक पीडी को नॉकआउट कर लेता हूँ, फिर हम जो ना गाइस अपने रहने के लिए खूबसूरत सी जगह जो है ना गाइस वो ढूंढने के लिए चले जाएंगे। ठीक है रुको यहाँ पे जो ना अबे माँ क्या 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 है वहाँ पे, क्या है गाइस वहाँ पे देखे वहाँ पे वो देख लेते, चलो आ जाओ ये भी इसके किसकी आवाज थी यार, ऐसा बुडुम बुडुम बुम बाम, ये रोशनी कुछ जाने पहचाने तो, अरे भाई स्केलेटन आइज भाई टीरेक्स है यहाँ पे, ओके ठीक है भाई स्केलेटन आइज भाई टीरेक्स है भाई यहाँ पे, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है गाइज, इसके स्पेशल अटैक आपको बताइए गाइज कितने ज्यादा खतर, बोले भाई यहाँ तक आया था, देख रहे हो अटैक इसका, इसका अटैक यहाँ तक आया था, मैं जस्ट थोड़ा सा दूर भाई हूँ इसके भाई वो रेंज से, रुको पहले तो मेरे को भाई फटाक से सारी चीजें बना दो, ये भाई अपने नजदीक पहुंच जाए उससे पहले, वेट अ मिनट स्पेयर ले ये ले रुको गाइस फटाक से इस एरिया से जो ना गाइस मेरे को निकलना पड़ेगा, फुल बूम बाम कर रहा मैं क्या करूँ इसको मार डालू क्या, 150 लेवल मर जाएगा, रुक जाओ हाइड चाहिए ना मेरे को गाइस, हाइड चाहिए। अबे वहां मत जाना प्लीज बेटा, वहां मत जा, हाइड इसलिए चाहिए था कि मैं बोला पड़ा सको, अरे प्राइमल स्पेयर है ना गाइस मेरे को, मैं भूल ही गया था प्राइमल स्पेयर के बारे में, वेट अ मिनट प्राइमल वाला जो स्पेयर है गाइस वो अपने काम कब आएगा भाई, रुको स्पेयर प्राइमल स्पेयर वाला भाई, प्राइमल स्पेयर वाला स्पेयर किधर है, या फिर भाई मिथिकल वाला भी स्पेयर है गाइस यहाँ पे, बट दोनों में से कौन सा वाला ज्यादा पावरफुल है ये मेरे को पता नहीं है, एक तो मेरे को भाई बोला बनाना पड़ेगा ताकि मैं इस पीडी को जो ना गाइस नॉकआउट वो कर सकूँ, पकड़ के रख सकूँ। आ जाओ कहाँ पे गया वो पीडी, हेलो पीडी सर, ये अबे यार तेरे को भी वहीं पे जाना था, वहाँ से डोडो ने देख लिया ना ये तो पता नहीं, मेरी जरूर बैंड बजेगी बेटा, प्राइमल स्पेयर ये रहा, ओके खोपड़ी पे मार सीधा, कितना लेवल है 150 ही तो लेवल है, इजीली हो जाएगा। ठीक है रुको एफएमके वाला जो ना गाइस पोशन बना ले, किबल कौन सा खाएगा ये मेरे को पता नहीं है, बट मेरे पास मीट पड़ा हुआ है गाइस, हाँ अबे यार आ रहा है भाई, आ रहा है जल्दी अरे जल्दी भग जा भाई, अरे भागना चुमू चमन, अबे क्या चुमन गाइस, अबे यार क्या पागल है भाई मेरा रैप्टर, ले भाई मर गया, वाह कैसा रैप्टर है बताओ, उसको विसल मार के थक गया मैं बेस के आग, बट ना भाई हिला नहीं गाइस वहां से,
क्या बताओ आपको बताऊं, विसल मार मार के थक गया भाई, इधर आ करके बुढ़ा अपने जगह से हिलाने गए जेंट तक। रुक जाओ भाई, तुम वहीं पे स्पॉन हुआ हो क्या? पता नहीं यार मेरी पेटी कहाँ पे बनी अभी, मैं हुआ तो स्पॉन बट समझ नहीं आ रहा कहाँ हुआ हूँ अभी, अभी थोड़ा सा दूर हो गया लग रहा है यार वो डोडो ने भाई। ची भाई अपने पीढ़ी को लेने के लिए चले क्या गाइज? अपने पीढ़ी को भी लेते हैं और थोड़ा सा ना पीढ़ी लेकिन जिंदा होगा क्या? 150 लेवल का था यार, अभी तक तो उसकी बैंड बच चुकी होगी। रुको चल के देख लेता हूँ मैं। अबे नहीं यार रैप्टर्स पीछा कर रहे भाई, यहाँ पे कार्नो पीछा कर रहा है भाई, यहाँ पे भाई क्या क्या नहीं है भाई, हर एक चीज मेरा पीछा कर रही है यार यहाँ पे। गाइज मैं भग रहा हूँ भाई, मैं भग रहा हूँ, मैं को नहीं चाहिए। वो ले भाई, वो ले मेरा पीढ़ी भी मर गया भाई, वो ले मेरा पीढ़ी भी मर गया। चलो गाइस चलते हैं, अभी चलते हैं, मैं थोड़ा सेफ लोकेशन पे चलता हूँ, यहाँ पे खतरा काफ़ी ज़्यादा है भाई, सीधा मैं आगे चलता हूँ। रुको भाई सबको इग्नोर मार के सीधा अपन लोग जो है ना गाइस, अभी उधर नहीं जाना इधर जाना है, ठीक है? चलो भाई इसे सेफ लोकेशन पे चलते हैं, जहाँ पे जो है ना ज़्यादा खतरा ना हो, मैं आराम से बैठ के वहाँ पे पीटी डैम कर सकूँ, इसी लोकेशन पे चलते, वरना भाई मरते ही रहूँगा भाई पूरे भाई एपिसोड वन में मेरे को लग रहा है। अबे यार स्टैमिना भी गया, लेकिन कोई खतरा नहीं, कोई पीछा नहीं कर रहा मेरा, अच्छी बात है। झाड़ी में ना पबजी की तरह भाई कैंप मार के बैठता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे बैठा हुआ होगा इस, ठीक है? कैंप मार के बैठा हूँ, ठीक है? चलो आ जाओ, स्टैमिना फुल, चलते अभी आगे। वही तो ग्रिफिन वाला एरिया यार, यहाँ पे तो ग्रिफिन होते हैं जितना मुझे याद है गाइज। हाँ भाई ग्रिफिन वाला एरिया है गाइज, यहाँ पे ग्रिफिन होते हैं और नीचे रैप्टर भी दिखाई दे रहे हैं मेरे को, वो भी टेक वाले रैप्टर है, बट अभी तो उनसे मैं पंगा नहीं लेना चाहूँगा गाइज, ठीक है? मैं तो उनको फुल इग्नोर मार के जो ना गाइज यहाँ पे कल्टी मार रहा हूँ गाइज, फुल इग्नोर मार के अपन यहाँ से भाई कल्टी मारेंगे। चल आ जा बेटा, हाँ चलो लेट्स गो। A few moments later. Guys, मैं शायद से गलत जगह पे स्पॉन हुआ यार। Wait a minute. इधर आ मार दे मेरे को भाई। शायद से मैं गलत जगह पे स्पॉन हुआ guys. Wait a minute. मुझे यहाँ स्पॉन नहीं होना है एक्चुअली में। मुझे रेडवुड के साइड में स्पॉन होना है और शायद से रेडवुड जो है वो है यहाँ पे गई मेरे को। ये वाला एरिया जो है ना गाइस वो रेडवुड वाला एरिया लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने आगे जाके देखा ना, हाँ ये वाला एरिया। रुक जाओ, ये शायद अभी जो ना कि शायद से मैं सही जगह पे स्पॉन हूँ। रुको वेट अ मिनट, देखने दो सही है क्या जगह ये? बीच के नज़दीक तो स्पॉन हुआ भाई, काफ़ी बढ़िया। और यस गाइज यही जगह है, वो रहा सामने भाई। यहाँ पे जो ना गाइस स्टार्टिंग में स्पॉन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कोई खतरा नहीं होता और हम बड़े आराम से डायनोस को ना टेम कर सकते हैं। चलो गाइज अच्छी बात है, अभी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, रुको अभी फटाफट से जो ना गाइज बेसिक सी सारी चीज़ें जो ना गाइज मैं बना सकता हूँ यहाँ पे, कोई भी खतरा नहीं है गाइज, कोई भी खतरा नहीं है भाई। हाँ बस एक कामेकाजी फीमेकाजी डोडो फट जाएगा बुमबाम हो जाएगा भाई कामेकाजी डोडो पीछा कर रहा है मेरा, बट मैं रुकने थोड़ी वाला हूँ, मैं तो भाई दौड़ते रहूँगा। रुक जाओ, रास्ते में जाते जाते थोड़े से भाई इक्विपमेंट और कुछ हथियार बना लेता हूँ। स्टील पीछा कर रहा है क्या? अबे स्टील पीछा कर रहा है उतने दूर से भी, ओके ठीक है ये ले। चलो गाइस पेर बीर जो ना गाइस वो सारी चीज़ें बन चुकी है और वहाँ पे मुझे जाना है, ओके? वो जगह जो ना गाइस थोड़ी सी सेफ रहेगी। रुक जाओ, ये डिलोफोसॉरस जो ना गाइस जिसको मार देता हूँ मैं, और इसे थोड़ा सा हाइट ले लेता हूँ, ताकि मैं थोड़ी सी चीज़ें जो ना गाइस हमारी बेसिक सी वो बना सकूँ भाई। इजी यार, इजी पीजी भाई। ये लो भाई मर गया, हेवी को ये लो, हाइट मिल गया जिसका, बोला बन गया भाई, ठीक है? चलो गाइस चलते हैं भाई आगे। मेरे को जो ना गाइस घर बनाने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढनी है। मैं सोच रहा हूँ कि भाई अगले एपिसोड में जो ना गाइस मैं घर का काम अपना पूरा कंप्लीट ही कर डालू, ठीक है? अबे यार नॉर्मल इच्छी नहीं है यार, वो नॉर्मल इच्छी नहीं है भाई। मारेगा क्या वो मेरे को? पता नहीं, इलेक्ट्रिक पैरट मारेगा, नो आइडिया। रुक जाओ, भग जाता हूँ यहाँ से भाई, इन लोग को डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे हम, चुपचाप साइड से निकल लेंगे। बाकी यहाँ पे पीटी तो दिखाई नहीं दे रहा बिल्कुल भी, ठीक है? चलो गाइज आ चुके, ये पानी क्रॉस कर दिया ना तो अपन भाई सेफ है फिर। ओ यहाँ पे एक पीटी भी है, वेट अ मिनट, एक काम कर ले, कितना लेवल है देख ले, कितना लेवल है भाई। अरे रुकना, रुक जाओ, इसको जो ना गाइज वो कर लेता हूँ, जकड़ लेता हूँ भाई, अपने बोला में जकड़ लेता हूँ। रुको ले भाई, इजी पीजी ना मेरी जान, 500 लेवल है। स्पेयर अबे यार इसके लिए वुड चाहिए। अबे यार अबे भाई इसको पकड़ के रखा तो बोले वुड चाहिए भाई, वुड कहाँ से लेके आओ? और भाई फूटी किस्मत इतनी कि एक भी पेड़ नहीं आजू बाजू, बताओ भाई
ठीक है भाई, छोड़ देता हूँ इसको, जान दो जान दो गाइस। चलो आगे मिल जाएगा हमको, आगे मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम हो आगे। अबे यार पीछे, यहाँ पे पीछे बोलते हैं ना इसको शायद। हाँ थोड़ा संभल के रहना है गाइस, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। चलो अभी थोड़ा सा वुड जो है ना गाइस ऐसे तोड़ लेता हूँ मैं, ओके, ताकि प्राइमल फेयर वाले जो स्पेयर होते हैं ना गाइस वो बना सको। ये ले भाई, ओके। मुझे वैसे प्राइमल फेयर वाले कुछ कुछ डायनोस दिखाई दे रहे, बट मिथिकल वर्ल्ड वाला एक भी डायनो अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिया। पता नहीं गाइस कहाँ पे स्पॉन हुए सारे डायनो। जब तक ट्रांसमीटर नहीं बनता ना तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे वैसे भी, ओके गाइस। जब तक ट्रांसमीटर नहीं बनता तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे। मुझे लग रहा है ना डायनो स्पॉनिंग मेरे को बढ़ानी पड़ेगी, उतने ज़्यादा डायनोज जो है ना गाइस वो मुझे यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए तो दिखाई नहीं दे रहे गाइस। मुझे डायनो स्पॉनिंग जो है ना गाइस वो थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि ज़्यादा डायनो जो है ना गाइस वो यहाँ पे दिखाई दे। एक एक दो दो ही डायनो दिखाई दे रहे हैं मेरे को गाइस। ये वाली जगह जो है ना गाइस वो हमारा बेस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ओपी रहेगी गाइस, ठीक है। रुको यहाँ पे घोड़ा भी दिखाई दे रहा है, फिलहाल के लिए ना इसको टेम कर ही लेता हूँ। अरे बग बेस क्या बहुत ज़्यादा भाई घटिया लेवल है भाई, रेन दो भाई 200 लेवल है और इतू सा टेम हुआ था मेजो बेरी से, इससे अच्छा टेम ही ना कर लो गाइस। ये वाली जो लोकेशन है ना गाइस ये अपना घर है गाइस, ये अपना घर है। यहाँ पे पानी भी मिल जाएगा हमको, हर एक चीज़ मिल जाएगी। और मैं इसमें जो ना कौन है भाई, अरे सार्को लाड़ मार है क्या सार्को, सार्को की तो बैंड बजा डालूंगा। तो गाइस यहाँ पे ना बेसिक सा जो ना फाउंडेशन वाउंडेशन लगा के जो ना गाइस एक वो बना लेता हूँ, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। वेट अमरेड बेसिक सी सारी चीज़ें जो है ना गाइस मतलब वो लगा देते हैं, फोर्ज बिर्ज पटाख से सारी रिसोर्स इकट्ठा करके। तो गाइस कुछ फाउंडेशन हमको बना लेनी है, ओके। भूख लगी है गाइस, रुको ये ले भाई, खा ले भाई, खाना खा ले, ठूस ले भाई ठूस ले। चलो गाइस अभी यहाँ पे ना मैं लगा देता हूँ फाउंडेशन, कुछ बेड लगा दिए ना तो काम हो जाएगा वैसे भी हमारा। ऑलराइट सो यार एक घास फूस हटानी पड़ेगी, उसके लिए किसी डायनो को टेम करेंगे बाद में। चलो सार को आ रहा लाड़ में गाइस, ज़्यादा ज़्यादा लाड़ में आ रहा भाई, लो जंप भी मार रहा है, जंप भी मार रहा है, जंपे मारेगा, हीरो बनेगा, हीरो बनेगा भाई। अबे भाई भाई कितनी ज़्यादा हेल्थ डाउन करती मैंने, एफएम के वाली हीलिंग पोशन भी नहीं बनाए हैं। रुको अरे बेस क्या, तो बेस ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही पावरफुल लग रहा है गाइस, कुछ ज़्यादा ही पावरफुल लग रहा है। अरे मर क्यों नहीं रहा, अबे मर क्यों नहीं रहा, रुको एफएम के हीलिंग पोशन एक ही बना सकता हूँ। वाह भाई वाह, मटेरियल भी नहीं है मेरे पास। प्राइमल स्पेयर, प्राइमल स्पेयर, स्पेयर 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 स्पेयर, ये वाला से काम चल जाएगा भाई। रुक जा भेज के अकेले, ये ले आ मेरी जान। क्या बेटा लाड़ में आ रहा था, बेहोश कर दिया गाइस मैंने मिथिकल वाले स्पेयर से इसको। चलो आ जाओ अभी जो ना गाइस आराम से हम लोग हमारा घर जो है ना गाइस वो यहाँ पे बना सकते हैं, कोई हमको डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। छोटा सा भी फिलहाल के लिए ना छोटा सा ही यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना के इसके ऊपर फोर्ज बिर्ज में लगाने वाला हो, ठीक है। और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि हम यहाँ पे नॉक्सियस वाला कोई क्रीचर जो है ना गाइस वो टेम करें, खास करके अगर नॉक्सियस वाला पीटी मिल गया ना सो काम हमारा हो जाएगा। बोल ठीक है चलो इतने से काम बन ही जाएगा वैसे भी, ओके। सो मुझे सबसे पहले बना लेने गाइस यहाँ पे कुछ फोर्ज, फोर्ज बाद में बना लूँ क्या मैं पहले तो स्मिदी या टेप वो बना लेता हूँ ना गाइस। रुक जाओ बेड बना लेता हूँ, रुक जाओ थोड़े से ना बेड बना के यहाँ पे लगा देता हूँ, इनकेस अगर मर गया सो वापस से यहीं पे रिस्पॉन्ड कर सकोगे, ठीक है। चलो बेड लग चुके हैं, एंड अभी जो ना गाइस बक्सों में मैं एक काम कर लेता हूँ, बॉक्सेस में ना सारा सामान भर के हम लोग घर बनाने का काम चालू कर दे क्या, स्टोन का ही घर बनाएंगे, ठीक है। बक्सों में जो ना गाइस सारा सामान भर देता हूँ, एक काम कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। रुको मैं जो भी घर बनाने के लिए गाइस सामान चाहिए होता है ना गाइस वो सारा सामान पहले तो इकट्ठा करता हूँ। रुको पहले उसके लिए ना एक चीज़ करनी पड़ेगी, उसके लिए एक चीज़ करनी पड़ेगी। रुको भाई आज के इस एपिसोड में ना हम लोग यार आज के इस एपिसोड में लेकिन घर बना नहीं पाएंगे, क्योंकि घर बनाना जो है ना गाइस वो थोड़ा सा यू नो तुड़क जाम वाला काम है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेरे को एक काम कर लेना है, अपग्रेड स्टेशन एंड ब्लूप्रिंट स्टेशन बना लेना है सबसे पहले, ठीक है। ऑलराइट और इसमें मेरे टूल्स को जो ना गाइस मैं अपग्रेड कर लेता हूँ, ओके लग जा भाई। हाँ ठीक है चलो आ जाओ, मैं टूल्स को अपग्रेड कर लेता हूँ ताकि हम लोग को जो रिसोर्सेज है ना वो ज़्यादा मात्रा में मिले यहाँ पे। जो मेरे बेसिक से टूल है ना गाइस इन्हीं को अपग्रेड कर लेता हूँ। एफएमके वाला थैच चाहिए इसके लिए, रुक जाओ गाइस थैच नहीं है मेरे पास, व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो।
थैच नहीं था मेरे पास भाई। वाह भाई वाह, बुक्के मार मार के थैच ले लेंगे गाइस। चलो भाई 1000 थैच मिल गया हमको। वेट अ मिनट, मुझे जो है ना कि जब पहले कपड़े बना दो एफएम के वाले। ओके हियर वी गो। ऑलराइट एंड यहां पे हम लोग जो है ना गाइस लगा देते हैं हमारे सारी की सारी स्किन को, और जो फालतू का इन्वेंटरी में सामान पड़ा है वो हम लोग फेंक देते हैं गाइस। ठीक है कॉस्ट्यूम, चलो डन। यहाँ पे टूल्स को अपग्रेड कर लेते फटाक से। टूल्स को अपग्रेड करके गाइस हो चुका है। अभी इन लोग की जो है ना गाइस मैं एक एक बीपी बना लेता हूँ सबसे पहले तो भाई। ठीक है ब्लूप्रिंट बनाऊंगा ना तो सही रहेगा। फिर जो है ना गाइस हमको थोड़ा सा हाई क्वालिटी के जो है ना गाइस हाँ टूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ मैक्स लेवल के मिल जाए। कितना है इसका? इसका डैमेज है 300। वैसे कितने वाला मिला भाई? 755 वाला, नाइस वन, लेट्स गो। एंड इसका कितना डैमेज है? इसका है 400, तो ये भी 755 वाला मिल गया। चलो गाइस, सो अभी जो है ना गाइस हम लोग यहाँ पे बड़े आराम से सारी की सारी जो गाइस रिसोर्सेज है ना जो घर बनाने के लिए चाहिए होते हैं वो देखना है इसे बड़े आराम से इकट्ठा कर सकते हैं। ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं। और मैं सोच रहा हूँ कि अपना फर्स्ट एपिसोड है तो कोई तो खतरनाक सा डायनो टेम कर लेता पहले तो। क्या बोलते हो गाइस, एक डायनो टेम करा जाए? उसके बाद जो ना गाइस मैं एएफके में सारा का सारा घर बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए होता है ना गाइस वो इकट्ठा करके रख दूंगा। सारा का सारा सामान ए टू जेड जो भी हमको घर बनाने के लिए चाहिए होगा। रुको अभी तो पहले फिलहाल के लिए ना, अरे यार स्पाई ग्लास नहीं है ना अपने पास में, भूल गया था। फिलहाल के लिए जो है ना गाइस हम लोग मीविंग सही रहेगा अभी फिलहाल के लिए तो। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वही फिलहाल के लिए बेस्ट डायनो है सार को। अरे अल्फा था, अबे मुझे लगा नॉर्मल है भाई। एक झटके में कुचल दिया मेरे को भाई। यार मैं पागल हूँ सच में भाई, मुझे लगा वो नॉर्मल सार को है। मैं सीधा उसके भाई मुंह के सामने स्पेयर लेके घुस गया भाई। भाई एक पटके में उड़ा डाला। ठीक है ये भी सही है भाई। मेरे पास अभी भाई रुक जाओ मैं पेटी लेके आता हूँ, पेटी लेके आता हूँ। उसको पीछा कराना पड़ेगा मेरे को पहले उसका, एंड उसके बाद जब उसको दूर लेके जाना पड़ेगा मेरे पेटी से। वो मेरे पेटी से दूर ही है वैसे भी, वो मेरे पेटी से दूर ही है। बाप रे भाई वन शॉट मार रहा मी विंग्स को भाई, भगने दो मुझे यार। एक एक पटके में मी विंग्स की बैंड बजा रहा है गाइस। वो ये वाला एरिया जो है ना गाइस वो थोड़ा सेफ होता है भाई। सार्को बिरको भाई ये ऐसे ही डायनोज आपको यहाँ पे मैक्सिमम करके देखने को मिलेंगे। तो ये एरिया जो है ना गाइस कंपेयर करें तो भाई काफी ज्यादा सेफ होता है गाइस। अरे यार इनको टेम करने के लिए क्या चाहिए होता है बताओ यार? इक्विस को टेम करते हैं ना तो थोड़ा सा एकदम ऐसा सुरक्षा रहेगी यार अपने पास। ये वाला इक्विस काफी कूल लगा वैसे मेरे को। कौन सा किबल चाहिए होता है इनके लिए? रेगुलर किबल तो चाहिए होगा शायद से। रेगुलर किबल ट्राई मार लेता हूँ, मुझे आइडिया नहीं यार कौन सा किबल चाहिए होता है। अबे एक भाई रेगुलर ही चाहिए होता है। सही है चलो गाइस सही है, लेट्स गो। तेरे भाई के पास अब एक इक्विस भी आ चुका है गाइस, लेट्स गो। एक ही पटके में टेम हो गया। सार्को के नजदीक नहीं जाना भाई। ओके ये लो गाइस, अभी बेरी जो ना गाइस वो हम काफी ज्यादा मात्रा में इकट्ठा कर सकते हैं। ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड क्या वुड इकट्ठा कर सकता है? वुड गाइस उतना ज्यादा इकट्ठा नहीं कर रहा। वुड नहीं भाई, ये थैच ज्यादा इकट्ठा कर रहा है, वुड ज्यादा इकट्ठा नहीं कर रहा। चलो नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं तो एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे इसकी हेल्थ बढ़ा देता हूँ। अभी वन शॉट उड़ाऊंगा सबको, वन शॉट गाइस, वन शॉट उड़ाऊंगा। रुको वेट में पॉइंट डाल दे, मूवमेंट स्पीड में। अबे हेलो, भगो भेज कर, भगो भेज कर। अबे हेल्थ नहीं है ज्यादा मेरी। अबे यार भाई मेरी हेल्थ, भाई मैंने हीलिंग पोशन नहीं बनाया अंकल, रुक जाओ यार। अभी ये मार देता है ना मेरे भाई इस प्यारे प्यारे से भाई कूड़े को। रुको हीलिंग पोशन खा ले। हाँ ठीक है चलो अभी ठीक है भाई। इसका डैमेज उतना तगड़ा वाला नहीं है यार, हेल्थ तो काफी ज्यादा अच्छी जा चुकी है इसकी, बट इसका डैमेज इतना तगड़ा नहीं। कलर भी काफी कूल है गाइस इसका, देखना कलर, देखना कलर भी काफी बढ़िया है गाइस। वैसे मैं सोच रहा हूँ जाके बदला ले लूँ मेरा गाइस, हमको चाहिए बदला। उस सार्को से ना गाइस हम बदला लेके आते। रुको 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 रुको, कहाँ पे हो सार्को? जहाँ पे कुछ रैक्टर्स भी दिखाए वो रहा गाइस सार्को भाई, वो रहा सार्को। ओके 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 भाई, इसे हम बदला ले करेंगे, बदला हमको चाहिए बदला गाइस। ओके एफएम के वाला ना इम्प्रिंटिंग पोशन इसको डाल देता हूँ मैं फिलहाल के लिए, ठीक है, ताकि इम्प्रिंट होके ना इसका डैमेज बढ़ सके भाई। मशाल है क्या? इंसाफ की मशाल, इंसाफ की मशाल मेरे पास नहीं है। ठीक है एक लेवल अब आ गई है, हाँ ये ले। चलो गाइस आ जाओ गाइस हमको चाहिए बदला बेस की अकिया। ये ले 950 लेवल भाई, 950 लेवल का सार कोई गाइस, मजाक हो रहा है क्या? ये ले भग रहा है भाई इसको, भाई बेहोशी कर दिया क्या रे बेटा? बोलो बेटा मस्ती ना है गाइस। वैसे मेरे को इसको बेहोश करना था क्या? ना भाई ना,
मुझे इसको बेहोश नहीं करना, मुझे इससे बदला चाहिए बदला। इसके लिए इसको जो ना कहते अपन डायरेक्ट चिप डालेंगे, सीधा इसको चिप डालेंगे। ये ले बेटा, ये ले बेटा, मरा बेटा, मरा गाइस, मरने वाला, मरने वाला, मरेगा मरेगा, योगा से होगा भाई। लात का डैमेज इसका ज़्यादा जा रहा है। ये ले भाई साहब, हमसे जो टकराएगा बेटा ऐसे ही चूर चूर हो जाएगा। लेट्स गो गाइस, मज़ा आ गया गाइस, मज़ा आ गया। एक अंडा मिल रहा है फ्री फंड में, तो अंडा उठा लेता हूँ। अंडे से याद आया, कुछ डोडोस बीडोस को अभी उठा टेम कर लूँ क्या मैं या फिर रेनू? तो पहले तो जो है ना गाइस, हम लोग हमारे घर का काम कम्प्लीट कर लेते हैं गाइस, ठीक है? हमारे घर का काम कम्प्लीट कर लेते, उसके बाद देखते हैं गाइस कि हमको करना क्या है। और यहाँ पे ना एक खूबसूरत सा घर में बनाने वाला हूँ, एकदम खूबसूरत सा। ये टेक वाला गाइस वहाँ पे एक स्टेको, रुको भाई, इलेक्ट्रॉनिक का जुगाड़ हो जाएगा भाई। मेरे स्विमिंग पूल में भाई अलग अलग तरह के सार्कोस घूमते हैं यार, क्या बताओ मैं अभी आपको, क्या बताओ भाई देखो भाई, अलग अलग तरह के सार्को बिरको और भाई और बाकी काफ़ी सारी चीज़ें भाई हमारे स्विमिंग पूल में घूमती हैं भाई। क्या तूफान आया भाई, पूल एकदम खतरनाक। ये लो अंकल, 1000 लेवल है, 1000 लेवल है। संभल के, स्टैमिना ड्रेन कर रहा है, स्टैमिना ड्रेन। ओके नाइस भाई, स्टैमिना ड्रेन तो करा, बट गाइस एंड में जो ना कैसे बेहोश भी हुआ। इससे जो ना कैसे मेरे को इलेक्ट्रॉनिक मिलेगी, जो इलेक्ट्रॉनिक मेरे काफ़ी काम आएगी गाइस, ठीक है? इस इलेक्ट्रॉनिक से ना हम लोग, हमारे लिए भाई क्या बोलते हैं वो भाई, ज़्यादा नहीं मिला, 300 इलेक्ट्रॉनिक ही मिला। हम इससे जो ना कैसे हमारे लिए भाई सोल गन, टेलीपोर्टर, वो सारी चीज़ें बना सकते हैं। ओके चलो गाइस, तो एक काम कर लेते हैं भाई। वैसे आज जो ना गाइस मेरे को काफ़ी सारे डायनोज को टेम करने का मन कर रहा है अभी, बट सीन क्या पता है क्या गाइस, अभी मैं किसी को टेम नहीं करना चाहता, मैं पहले तो ना गाइस हमारे घर का काम कम्प्लीट करना चाहता हूँ, ठीक है? कैसा है गाइस, घर का काम अगर मैंने स्टार्टिंग के एपिसोड में कम्प्लीट करा तो ही सही होता है, वरना मैं एंड तक जो ना गाइस घर नहीं बनाता, ये आपको भी पता है। इसलिए अभी जो ना गाइस थोड़ा सा घर का काम जो ना गाइस कंप्लीट करने पे अपन ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बाकी एफ के में जो ना गाइस मैं सारी चीज़ें इकट्ठा कर लूँगा जो घर बनाने के लिए मेरे को चाहिए होंगी गाइस यहाँ पे, ठीक है? सारी की सारी चीज़ें जो ना गाइस वो घर बनाने के लिए जो चाहिए वो मैं इकट्ठा कर लूँगा एक एक करके यहाँ पे, एंड अगले एपिसोड में जो ना गाइस अपना एक खूबसूरत सा घर यहाँ पे बन के रेडी होगा। और डायनोस उतने ज़्यादा स्पॉन नहीं हो रहे, तो डायनोस भाई स्पॉनिंग है ना गाइस वो भी मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा गाइस, ठीक है? मतलब कल तक बढ़ा दूंगा, अभी सर्वर स्टार्ट करा तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा वापस चालू होने में। तो अभी फिलहाल के लिए ना ये वाला एपिसोड जो है गाइस हम लोग यहीं पे खत्म कर दे, बाकी इसको बादल नाम दे दूँ क्या गाइस? ये हमारा बादल रहेगा, इस बादल के ऊपर बैठ के जो ना गाइस हम लोग, ऑप्शन इसका नाम डाल दे बादल भाई। इस बादल के ऊपर बैठ के जो है ना गाइस हम इधर उधर ऐसा आराम से जो ना गाइस घूम सकते हैं, और अगर कोई मेरे बेस के ऊपर नॉर्मल सा डायनो अटैक करने आता है तो बादल हमको उससे बचाएगा। बाकी आजू बाजू के पेड़ पौधे जो भी सारी की सारी चीज़ें वो तोड़ के मैं यहाँ पे रिसोर्स इकट्ठा करके रखता हूँ, एंड अगले एपिसोड तक तुम्हारा भाई सारा का सारा जो भाई मटेरियल घर बनाने के लिए चाहिए होता है वो सारा मटेरियल बना लेगा गाइस, ठीक है? तो अभी फिलहाल के लिए ये वाला एपिसोड जो है गाइस आर्क का वो यहीं पे खत्म होता है। मिलते सीधा आपसे आर्क सर्वाइवल इवॉल्व प्राइमल फेयर आर्क में दिखे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सी यू लेटर गाइस, बाय बाय। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay.